हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में मैंने ह्यूमन ब्लड के फर्स्ट पार्ट को कवर किया है, जिसमें मैं आपको ब्लड के बारे में, ब्लड के संगठन के बारे में और मैं आपको रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में बताऊंगा। जैसा कि मैंने क्वेश्चंस को ऐड किया है, पहली सीरीज के वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, जिसको हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भाग की लगभग 7% होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में कितने लीटर रक्त होता है? तो एक वयस्क मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितने लीटर रक्त कम होता है? तो 0.5 लीटर रक्त, 1/2 लीटर जो होता है वो कम होता है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो मेनली 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला है प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। तो रक्त का लगभग कितने प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो वो 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा का संगठन क्या होता है, मतलब प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है? तो 90% वाटर होता है, 7% प्रोटीन, 0.9% साल्ट और 0.1% ग्लूकोज। इस तरह से ये प्लाज्मा का संगठन है। एक एक क्वेश्चन को आप कवर करते चलिए, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझते चलिए और उसे लिखते भी चलिए, जिससे आपका ये कवर हो जाए। सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कभी ना कभी ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए इनको आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। प्लाज्मा के मुख्य कार्य क्या हैं? तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन जो होता है, हार्मोन को शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना, जो कि हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा होता है, उसमें प्लाज्मा का मेन फंक्शन होता है। और ये हमारे पचे हुए भोजन को भी क्या करती है, एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाती है, जो उसके आउटकम्स होते हैं। जब प्लाज्मा, अब बात आती है कि सीरम क्या है। तो सीरम की परिभाषा क्या होती है, ये अक्सर पूछी जाती है कि रक्त और सीरम क्या होता है। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है, तो जो प्लाज्मा बचती है उसे सीरम कहते हैं। ब्लड कॉर्पस्कल्स कितने प्रकार की होती है? तो ये 3 प्रकार की होती है। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब लाल रक्त कणिकाएँ, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब श्वेत रक्त कणिकाएं, और रक्त बिंबाणु मतलब प्लेटलेट्स। इस लेक्चर में हमने आरबीसी को कवर किया है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तधारियों के लाल रक्त कण किस प्रकार के होते हैं? तो उभयावतल होते हैं, मींस जो WBC होता है उसका आकार क्या होता है, उभयावतल, दोनों तरफ से अवतल लेंस की तरह इसकी संरचना होती है। RBC का निर्माण कहाँ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि RBC का निर्माण कहाँ होता है। तो ये हमारी बोन मैरो में होता है, हमारी जो अस्थि मज्जा होती है वहाँ पे हमारी लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। अब RBC के निर्माण में क्या क्या सहायक होता है, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, क्या क्या एलिमेंट होते हैं? तो प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 और फोलिक एसिड। भ्रूण अवस्था में RBC का निर्माण कहाँ होता है, जब हमारा न्यूबॉर्न बेबी क्या होता है, वो एम्ब्रियो में होता है, एम्ब्रियो स्टेज होती है, तो RBC का निर्माण यकृत और प्लीहा में होता है। WBC का जीवन काल कितना होता है, 20 से 120 दिन होता है। किन अंगों को RBC की कब्र कहा जाता है, किन अंगों को RBC की कब्र कहा जाता है, यकृत और प्लीहा को RBC की कब्र कहते हैं। रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो रक्त का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, क्योंकि हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए रक्त लाल होता है। और एक और पिगमेंट हीमोसाइनिन है, वो जिन जंतुओं में पाया जाता है उनका रक्त नीला होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है, बहुत पूछा जाता है कि हीमोग्लोबिन में जो लौह यौगिक पाया जाता है वो क्या होता है, तो वो हीमैटिन होता है। और कौन सा तत्व पाया जाता है, जब पूछा जाए तो वो मैग्नीशियम होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर कौन सा रोग हो जाता है, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है तो हमें एनीमिया हो जाता है, जिसे हम रक्त छीणता कहते हैं।
सोते वक्त आरबीसी की संख्या कितने प्रतिशत कम हो जाता है? ये एक फैक्ट है, इसे आपको ध्यान देना है कि सोते वक्त आरबीसी की मात्रा क्या होती है, हमारे शरीर में 5% कम हो जाती है। अब तो सोते वक्त क्या होता है, आरबीसी की संख्या 5% तक कम हो जाती है। और जो लोग अगला फैक्ट क्या है कि जिस जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं, आरबीसी के परसेंटेज जो होता है वो कम होता जाता है। तो 4200 मीटर की ऊंचाई पर एक क्वेश्चन, ये UPPCS का क्वेश्चन था, पूछा गया कि जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनकी आरबीसी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाती है, तो वो 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, तो वो हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। और श्वेत रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो WBC को हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे।